देवघर में राष्ट्रीय स्तर के पुस्तक मेला कार्यक्रम में कवि और लेखक नीलोपल मृणाल ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, राम मंदिर का बनना लोकतंत्र के लिए बड़ा उत्सव है। कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया हम सभी ने किया और आज राम मंदिर हम सबके सामने है। नीलोपल मृणाल ने कहा कि राम मंदिर का बनना इस बात का परिचायक है कि हम अपने लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। राम मंदिर राजनेताओं के लिए राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन करोड़ों देशवासियों के लिए यह आस्था और लोकतंत्र का पर्व है। सबसे पहले तो कवि होने से पहले मैं एक हिंदू हूँ। एक हिंदू होने के नाते मैं धर्म का पालन अपने हिसाब से, अपने रिचुअल्स के हिसाब से करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, अभी भी टीका लगाया है। तो राम मेरे आराध्य, मेरे पूज्य हैं। राम मंदिर का बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कई हजार गुना महत्वपूर्ण ये है वो जिस प्रक्रिया से बना है। 80% हिंदू जिस देश में हो, वहां अपने मंदिर को बनाने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाता है। इसलिए राम का मंदिर अध्यात्म और भक्ति का पक्ष तो अलग है, पूरी दुनिया में भारत के मजबूत लोकतंत्र का ये परिचय है और भारत के लोग न्याय व्यवस्था में कितना यकीन करते हैं उसका जब भी पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि 80% हिंदुओं ने अपने मंदिर को बनाने के लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया, लाठी लेके मंदिर बनाने नहीं गए। कवि होने से पहले मैं एक हिंदू हूँ। एक हिंदू होने के नाते मैं धर्म का पालन अपने हिसाब से, अपने रिचुअल्स के हिसाब से करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, अभी भी टीका लगाया है। तो राम मेरे आराध्य, मेरे पूज्य हैं। राम मंदिर का बनना महत्वपूर्ण है, हजार गुना महत्वपूर्ण ये है वो जिस प्रक्रिया से बना है। 80% हिंदू जिस देश में हो, वहां अपने मंदिर को बनाने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाता है। इसलिए राम का मंदिर